अभी आप मुझे एक ट्रिक के बारे में बता रहे थे जो अभी काफी काम करी है ब्लॉगिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है वो ट्रिक? भाई ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे रिसेंटली आइडिया क्लिक हुआ था। आई स्टार्टेड अ ब्लॉग, एक ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, निश साइट है ना। को चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, शायद आपके लिए काम आए। ठीक है, कोई भी निश हो, नो मैटर कोई भी निश है, उसमें भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करके और रैंक भी करवा सकते हो। बस आपको कीवर्ड रिसर्च थोड़ी सी कैसे करनी है, गूगल पर आप ऑटो कम्प्लीट आपने फीचर एक्सप्लोर किया होगा, आप गूगल पर कुछ कीवर्ड लिखते हो तो उसके आगे अगर आप ए बी सी डी टाइप करते हो, अल्फाबेट ए एंड देन बी सी, तो वो गूगल ऑटो कम्प्लीट आपको कुछ सजेशंस दिखाता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप उसके आगे आप क्वेश्चंस फॉर्म करते हो, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करते हो, तो उन क्वेश्चंस के मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स नहीं दिए गए होते हैं। ये आपको दो घंटे में आप 50 टॉपिक ऐसे निकाल सकते हो जिनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए गए। ठीक है, आपको ना तो उनका सर्च वॉल्यूम चेक करना, ना तो उनका ये देखना कि क्या डिमांड है, कीज कितने आएंगे, क्योंकि वो गूगल खुद ऑटो कम्प्लीट दिखा रहे हैं। तो अपना कीवर्ड लिखो, उसके आगे क्या लिखो, व्हाई, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, व्हाई लिखो आप, तो व्हाई डज शी लाइक मी, मतलब क्या वो मुझसे प्यार करती है, डज शी लाइक मी, बट डज, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, शुड, अगर क्वेश्चंस फॉर्म करते हो उन क्वेश्चंस को सर्च करो, देखो उनके आंसर्स अगर नहीं है तो उन क्वेश्चंस का आंसर करो। ठीक है, कोई भी निश, मैंने दो तीन निश ट्राई करे हैं, सब पर पहला ही आर्टिकल रैंक हुआ, क्योंकि मैंने टॉपिक कौन से निकाले जिन पर आंसर्स नहीं किए गए। अगर आप मिस पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक तो बताता नहीं है, देखो ट्रैफिक नहीं बताता, पर इसकी भी ट्रिक क्या है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन के अंदर उसको डीपली कवर कर रहे हो, मान लो एक क्वेश्चन है कि साइंस शी लाइक्स मी, डज शी लाइक्स मी, तो उसको आप दो तीन और सेक्शन बनाकर ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो। कि जैसे क्या वो लाइक, मतलब लाइक करती है नहीं करती है, ठीक है, उसके बाद और ये सोचो कि रीडर के माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है, या फिर अगर लाइक नहीं करते तो मैं कैसे उसको मैं लाइक करवा सकता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीडर के माइंड में क्या आ सकता है। ठीक है, वैसे अगर आप कवर करते हो तो अच्छा ट्रैफिक आता है, साइड रैंक कर जाती है। और हम जो भाई ट्रिक की बात कर, कल भी ट्रिक की बात कर रहे थे, ट्रिक कुछ कोई और ट्रिक की बता दी भाई ने, ये मैंने चला जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया अपना। जो ट्रिक क्या है, ट्रिक भी नहीं है यार, ब्लॉग पे ट्रैफिक था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो मैंने उसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फेसलेस चैनल, ठीक है, कम्प्लीटली वीडियो और वॉइस ओवर आउटसोर्स कर रहा हूँ। उन वीडियोस को जो जिन आर्टिकल्स में मेरा ट्रैफिक आ रहा है उन टॉपिक से वीडियोस बनवाई, आर्टिकल्स में वीडियोस को एम्बेड किया, स्टार्टिंग में व्यूज आने शुरू हो गए। अब यूट्यूब को लगता है यार स्टार्टिंग में व्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन अच्छा है, ठीक है, तो वो वीडियोस यूट्यूब खुद रिकमेंड करना शुरू करता है, और वहाँ से इंस्टेंटली इतना सारा ट्रैफिक आ गया कि सिर्फ चार वीडियोस में चैनल मोनेटाइज भी हो गया। बेसिकली दोनों को इंटीग्रेट कर लो, दोनों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ब्लॉग अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है, भाई दोनों अच्छा है, दोनों को दोनों का साथ में करो, दोनों चलता है, दोनों करो एंड देन बाद में एक को आउटसोर्स करो। मैंने आउटसोर्स किया था, मैं तो दोनों ही आउटसोर्स किए, मैं ब्लॉग भी। और कॉस्ट क्या आ रही है एक वीडियो बनाने की भाई? मेरी क्योंकि यूएस ऑडियंस है, इंग्लिश में कंटेंट है, तो मेरी एवरेज 11,000 की कॉस्ट आती है एक वीडियो की, एक वीडियो की। पर मुझे पता है कि वहाँ से रिवेन्यू बहुत अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ चार वीडियो में चैनल मोनेटाइज हो गया तो अगली 8 वीडियो में तो इनकम भी देना शुरू कर देगा, इतना पता है अच्छी बात। और टिप्स जाननी है तो भाई को फॉलो कर लेना भाई, मास्टर ब्लॉगिंग वीडियो पर, मास्टर ब्लॉगिंग पर। Many words of wisdom. आप कुछ बोलना चाहेंगे? Words of wisdom. जो भाई ने बोला कि आपने एक ट्रैफिक को यूज करो और दूसरे से आपने यूट्यूब को ग्रो कर लिया, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ ब्लॉग ही हो, ठीक है, आपको कोई भी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे ट्रैफिक अवेलेबल है उसको यूज करो अपना यूट्यूब मोनेटाइज करने के लिए। दैट इजीएस्ट मेथड टू मोनेटाइज। सही स्ट्रेटजी है भाई, ब्लॉगिंग से लव गुरु बन गए आजकल भाई। आफ्टर मैरिज ये इंग्लिश का आइडिया है। ब्रेकअप हुआ था? नहीं भाई, ब्रेकअप नहीं हुआ, बस रिलेशन था, 13 साल चला, तो उसके बाद मैरिज। अरे और भाई 2 साल बाद दिखाई दिए, ये देखो 2 साल बाद।